कॉमन डायोड एक बहुत ही यूजफुल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता है और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स की दुनिया में तकरीबन हर जगह पाया जाता है। इसके एनोड पर पॉजिटिव वोल्टेज और कैथोड पर नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई करने से करंट इसमें से बहना शुरू हो जाता है और इसके अक्रॉस एक फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप पैदा हो जाता है जो कि हमेशा डाटा शीट में मैंशन किया जाता है। लेकिन अगर हम एनोड और कैथोड पर वोल्टेजेस की पोलैरिटी को तब्दील कर दें तो इसमें से कोई करंट नहीं गुजरेगा। यही चीज़ इसे रिवर्स वोल्टेज प्रोटेक्शन और एसी वोल्टेजेस से डीसी वोल्टेजेस की रेक्टिफिकेशन के लिए परफेक्ट बनाती है। पर दिलचस्प बात यह है कि डायोड की दो और पॉपुलर टाइप्स होती हैं जो कि ज़ेनर डायोड और शॉटकी डायोड होते हैं। तो इस वीडियो में हम पता लगाएंगे कि डायोड की ये दो टाइप्स कैसे काम करती है और इन्हें सर्किट्स में कब और कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। चलिए हम शॉटकी डायोड से शुरू करते हैं जिसका सिंबल कुछ ऐसा दिखता है। अगर हम 1N5819 शॉटकी डायोड की डाटा शीट को इसके एडवांटेजेस के लिए देखें तो इसमें से एक वेरी स्मॉल कंडक्शन लॉसेस है। चलिए अब हमें कॉमन डायोड 1N4007 को सप्लाई के साथ कनेक्ट करके इसमें से 1 एम्पीयर करंट गुजारते हैं जिसकी वजह से इसके क्रॉस 0.8 वोल्ट पैदा हो जाते हैं और पावर लॉस 0.8 वाट होता है जो कि डायोड के टेम्परेचर में इजाफे की वजह बनता है। अगर हम सेम सर्किट को शॉर्ट की डायोड 1N5819 से बनाएं तो वोल्टेज ड्रॉप सिर्फ 0.45 वोल्ट्स और पावर लॉस 0.45 वाट्स होगा जो कि कॉमन डायोड के पावर लॉस से आधा है। तो शॉर्ट की डायोड का एक एडवांटेज लो फॉरवर्ड वोल्टेज है जो कि इसे रिवर्स वोल्टेज प्रोटेक्शन सर्किट के लिए बहुत ही यूजफुल बनाता है। मगर शॉर्ट की डायोड को इस्तेमाल करते हुए हमें बड़ा ही केयरफुल रहना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही कम रिवर्स वोल्टेजेस को हैंडल करते हैं। हमें शॉर्ट की डायोड को इस्तेमाल करते हुए हमेशा इनकी डाटा शीट को चेक कर लेना चाहिए। शॉर्ट की डायोड का दूसरा बड़ा एडवांटेज वेरी फास्ट स्विचिंग स्पीड और हाई फ्रीक्वेंसी ऑपरेशंस है। कॉमन डायोड्स 1 किलोहर्ट्ज़ तक की फ्रीक्वेंसी पर सही काम करते हैं मगर जैसे ही फ्रीक्वेंसी 1 किलोहर्ट्ज़ से ऊपर जाती है तो इनकी परफॉर्मेंस में कमी आना शुरू हो जाती है। इसीलिए कॉमन डायोड्स हाई फ्रीक्वेंसी ऑपरेशंस के लिए एक अच्छी चॉइस नहीं है मगर शॉर्ट की डायोड्स को हाई फ्रीक्वेंसीज पर काम करने के लिए बनाया जाता है। ये 1 मेगाहर्ट्ज़ तक फ्रीक्वेंसी को हैंडल कर सकते हैं। शॉटकी डायोड्स हाई फ्रीक्वेंसी के लिए हमेशा एक अच्छी चॉइस होते हैं। शॉटकी डायोड्स ज्यादातर हाई स्विचिंग सर्किट्स में नजर आते हैं जैसे कि बक कन्वर्टर, बूस्ट कन्वर्टर और एसएमपीएस सप्लाईज। नेक्स्ट हमारे पास है ज़ेनर डायोड जिसका सिंबल कुछ ऐसा होता है। ज़ेनर डायोड के एनोड पर पॉजिटिव वोल्टेज और कैथोड पर नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई करने से इसे कॉमन डायोड की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है मगर ज़ेनर डायोड को इस तरह कहीं भी इस्तेमाल नहीं किया जाता बल्कि इनके सीरीज में एक रेजिस्टर ऐड करके इन्हें रिवर्स बायस्ड में इस्तेमाल किया जाता है। ज़ेनर डायोड को इस्तेमाल करने से पहले हमें इसके दो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स के बारे में पता होना चाहिए जो ज़ेनर वोल्टेज और इसकी पावर डिसिपेशन होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम एक 5 वोल्ट के ज़ेनर डायोड को 1 किलो ओम के रेजिस्टर के साथ लगाकर ज़ेनर वोल्ट से ज्यादा वोल्ट की सप्लाई के साथ कनेक्ट करते हैं तो ज़ेनर डायोड कनेक्ट करना शुरू कर देगा और इसके अक्रॉस फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप ज़ेनर वोल्टेज के बराबर होगा जो कि हमारे केस में 5 वोल्ट है। इस तरह से हम एक सिंपल वोल्टेज रेगुलेटर बना सकते हैं मगर ये बहुत ही कम आउटपुट पावर प्रोवाइड करता है और इसके पावर लॉसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं। इसीलिए ज्यादा बेहतर यही है कि ज़ेनर डायोड को वोल्टेज क्लिपर के तौर पर इस्तेमाल किया जाए। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक MOSFET है जिसके गेट टू ड्रेन वोल्ट 16 वोल्ट है तो हम इसके गेट पर 15 वोल्ट का ज़ेनर डायोड लगाकर इसके गेट को ओवर वोल्टेज से बचा सकते हैं। इसके अलावा हम ज़ेनर डायोड को सीरीज में ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाकर एसी क्लिपर्स के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि एसी सप्लाई के पॉजिटिव और नेगेटिव पीक को मखसूस वोल्टेज लेवल तक कम कर देता है। तो हमने देखा कॉमन डायोड बहुत ही यूजफुल होते हैं मगर शॉटकी डायोड और ज़ेनर डायोड भी कम नहीं इसलिए ये भी बहुत पॉपुलर है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।